अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं और चैप्टर नंबर 3 का नाम है डायनेमिक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम की कंजर्वेशन का कानून। ठीक है जी। अभी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस चीज़ का जवाब ढूंढ सकते हैं कि रॉकेट ज़मीन से कैसे उड़ते हैं। इस रॉकेट को देखें तो ये ज़मीन से उड़ जाएगा, तो ये रॉकेट ज़मीन से कैसे उड़ा इसकी वजह आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें, इस डिवाइस का नाम होता है न्यूटन्स क्रेडल। इस डिवाइस को बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल, आपने याद रखना। इसमें अगर आप देखें तो एक बॉल आगे जब टकराती है तो आगे कितनी बॉल जा रही है, एक। ये क्यों ऐसा है कि एक बॉल के टकराने से एक ही आगे जा रही है? ऐसा क्यों नहीं है कि दो बॉल्स चली जाएँ आगे या तीन बॉल्स चली जाएँ आगे? इसका जवाब भी आज के लेक्चर में ढूंढेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो जब ये बंदा बुलेट को फायर करता है आगे की तरफ तो ये गन पीछे को झटका खाती है। इस झटका खाने को बोलते हैं रिकॉइल। ये गन रिकॉइल क्यों करती है, गन में झटका क्यों पैदा होता है, इसका जवाब भी आपको आज के लेक्चर के बाद मिल जाएगा। इस तरह के और कई सवालों के जवाब आपको आज के लेक्चर में मिलेंगे, तो इसलिए आप लोगों ने इसको पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। मोमेंटम पहली बात क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, ये याद होगा आपको। मोमेंटम होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है वो भी नीचे डिस्कस करते हैं। टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, या तो दो बॉडीज हों या दो से ज्यादा बॉडीज हों, इनका सिस्टम हो, दो या दो से ज्यादा बॉडीज का सिस्टम हो, तो उनका मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी इनका मोमेंटम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट रहता है इसका मतलब मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, यानी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। और अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि टोटल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मतलब शुरू वाला, तो जितना मोमेंटम शुरू वाला था टोटल इनिशियल मोमेंटम, वो बराबर होगा उसके जो मोमेंटम बाद में था, यानी टोटल फाइनल मोमेंटम। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि जितना मोमेंटम शुरू में था उतना ही मोमेंटम आखिर में होगा। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, जिसका मतलब ये अगर शुरू में 20 था तो आखिर में भी कितना होगा, 20। तो क्या चेंज हुआ, नो, शुरू में 20 था आखिर में 20 था, तो मोमेंटम कैसा रहा, कॉन्स्टेंट। और यही न्यूटन का, यही आपके पास कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, यानी आपका टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है। और अगर यहाँ पर देखें इस डायग्राम में तो ये दो बॉल्स हैं और ये दो बॉल्स का एक सिस्टम है, और ये दो बॉल्स जब टकराती हैं पहले, अभी अगर ये इस तरह से टकराई, यहाँ पर देखें ये टकराई और टकराने के बाद दोबारा इधर को मूव करेगी, तो इनका मोमेंटम जितना टकराने से पहले था उतना ही टकराने के बाद था। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, तो एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, कोई बाहर वाली फोर्स एक्ट नहीं करती। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर, ये इसकी एग्जांपल है। तो अगर आप इस साथ वाली एनिमेशन में देखें तो यहाँ पर जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरा एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, ये इसके अंदर कैद हैं, इसके अंदर इनकी अपनी फोर्सेज हैं जिससे ये मूव कर रहे हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कोई बाहर से फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जिसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। जैसे इस सिस्टम पर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रही, ये सब सिलेंडर के अंदर कैद है। इसी तरह ये प्लैनेट्स को अगर आप देखें, इसी तरह यहाँ पर अगर आप प्लैनेट्स को देखें तो ये आपके पास सन है और साइड पर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, और ये प्लैनेट्स को सन की ग्रेविटी खींच रही है। अब ये पूरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही, उस सिस्टम के अंदर जो फोर्सेज हैं वही काम कर रही हैं। यानी ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। यानी आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, कोई बाहर वाली चीज़ लगा फोर्स नहीं लगाती इसके ऊपर। यहाँ पर देखें तो ये प्लैनेट्स के ऊपर भी अंदर वाली फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटी है। ये पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही। इस तरह यहाँ पर इस सिस्टम में भी देखें तो सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की अपनी फोर्सेज हैं।
ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ कैसे सिस्टम पर लगता है जो कौन सा सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो। अब यहाँ पर हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करने लगे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और ये पूरे सिस्टम में आपके पास दो बॉल्स हैं। शुरू में ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरह मूव कर रही हैं। ये पहली बॉल है इसको एम वन कह दें, ये दूसरी बॉल है इसको मैस एम टू कह दें। ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी यू वन और ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी यू टू। तो ये यू वन और ये वेलोसिटी यू टू, ये वेलोसिटी होंगी इनिशियल, यानी ये बॉल वन की इनिशियल वेलोसिटी यू वन और बॉल टू की इनिशियल वेलोसिटी यू टू। फिर इन दोनों का हो गया टकराव, ये M1 था और ये M2 था, ये दोनों बॉल्स टकरा गई और टकराने के बाद दोबारा यहाँ पर मूव करने लग गई। तो ये बॉल कौन सी थी M1 और ये बॉल कौन सी थी M2। अब ये मूव करने लग गई विद अ वेलोसिटी और ये मूव करने लग गई विद अ वेलोसिटी V1। क्या यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाटा लिख के आपको दिखाता हूँ, जरा सबने गौर से इसको देखना है। पहली बात आपने यहाँ पर, मैं लहदा से डाटा लिख रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल वन, बॉल वन की इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में ये बॉल वन है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यू वन। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल टू, दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी शुरू में क्या थी वो थी यू टू। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल वन क्या थी वी वन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल टू क्या थी वी टू। अब जरा तवज्जो देनी है, मैं यहाँ पर दो केसेस बनाऊंगा, यहाँ पर वैसे ही दो केसेस हैं, एक तो बिफोर कोलाइजन और एक आफ्टर कोलाइजन, यानी एक वो केस है जब कोलाइजन नहीं हुई हुई और एक वो केस है जब कोलाइजन हो चुकी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं दो केसेस बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं ढूंढूंगा बिफोर कोलाइजन वाला केस, बिफोर कोलाइजन, कोलाइजन से पहले। तो अपनी आंखें खोल के रखनी है, कोलाइजन से पहले जरा मोमेंटम कैलकुलेट करें। देखिये मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। अब पहली बॉल का मोमेंटम जरा देखें, पहली बॉल का मोमेंटम क्या होगा m1 मास और वेलोसिटी क्या उसकी u1। तो मैं लिखूंगा बिफोर कोलाइजन आपके पास बॉल वन का मोमेंटम क्या था, मोमेंटम ऑफ बॉल वन, पहली बॉल का मोमेंटम क्या था, पहली बॉल का मोमेंटम था m1 मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है, तो पहली बॉल की मास था m1 और वेलोसिटी क्या थी u1। तो बॉल वन का मोमेंटम क्या हुआ m1 u1। अब बॉल टू का मोमेंटम ढूंढे बिफोर को लिए, तो मोमेंटम ऑफ बॉल टू इज इक्वल टू बॉल टू का मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास था m2, वेलोसिटी थी u2, तो इसका मोमेंटम बनेगा m2 u2। अब बिफोर को लिए ढूंढे टोटल मोमेंटम कैसे ढूंढेंगे, दोनों मोमेंटम्स को जमा कर दें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल मोमेंटम बिफोर को लिए, यानी कोलाइजन से पहले का टोटल मोमेंटम। अभी हम ऊपर जितने भी ये वाले दोनों केसेस पड़े ये मोमेंट कोलाइजन से पहले है ना, देखो बिफोर कोलाइजन, तो इन दोनों को जमा कर दें। तो ये दोनों क्या थे m1 u1 जमा m2 u2, ये हो गया बिफोर कोलाइजन वाला केस। अब चलते हैं अगले केस की तरफ जो कि होगा आफ्टर कोलाइजन। चलें अब यहां पर नंबर 2 पे हम डिस्कस करने लगे हैं आफ्टर कोलाइजन, कोलाइजन के बाद क्या हुआ जरा तवज्जो देनी है। कोलाइजन के बाद भी दोनों बॉल्स का मोमेंटम फाइंड करें, पहली बॉल m1 का मोमेंटम ढूंढ लें। तो पहले हम आफ्टर कोलाइजन ढूंढेंगे जी मोमेंटम ऑफ बॉल वन। भाई पहली बॉल का मोमेंटम देखें मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी m1 v1, पहली बॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। अच्छा इसी तरह मैं ढूंढूंगा मोमेंटम ऑफ बॉल टू, तो बॉल टू का मास क्या है m2, वेलोसिटी क्या है v2, तो ये बनेगा m2 v2, समझ आ गई। तो ये हो गया आफ्टर कोलाइजन बॉल वन और बॉल टू का। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, टोटल मोमेंटम कब आफ्टर कोलाइजन, कोलाइजन के बाद। तो आप जानते हैं कि कोलाइजन के बाद का टोटल मोमेंटम तो दोनों को जमा करके आएगा, तो वो क्या बनेगा m1 v1 जमा m2 v2, समझ आ रही है। चले तो ये आपके पास आ गया आफ्टर कोलाइजन वाला केस। तो अब आपने दोनों केसेस ढूंढ लिए, एक बिफोर कोलाइजन और एक आफ्टर कोलाइजन, बिफोर कोलाइजन भी आ गया आफ्टर कोलाइजन भी आ गया। अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या कहता था मैं बताता हूँ। ओके सो अब यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा कि वो कहता था कि टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, और इसका मतलब ये था कि टोटल मोमेंटम शुरू वाला कौन सा था, बिफोर कोलाइजन ना, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन यानी कोलाइजन से पहले वाला मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, ये आपके पास इसका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, यानी टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम आपस में बराबर होगा। तो टकराने के पहले का मोमेंटम क्या था, एम वन यू वन जमा एम टू यू टू, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एम वन यू वन जमा एम टू यू टू बराबर, इस तरह यहाँ पर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन करेंगे, दैट इज ये आफ्टर कोलाइजन, एम वन वी वन जमा एम टू वी टू, तो ये आपके पास बन गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर क्या क्या रहा है, जरा देखें ये इक्वेशन क्या कह रही है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, जितना मोमेंटम शुरू में था आखिर में भी उतना ही मोमेंटम था, यानी मोमेंटम क्या रहा, टोटल मोमेंटम क्या रहा, कॉन्स्टेंट, और यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो कहता है कि टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, अब ये कानून है, ये कानून है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा और हमेशा मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और मोमेंटम को चीजें हमेशा क्या रखने की कोशिश करेंगी, कॉन्स्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम ने हमेशा क्या रहना है, कॉन्स्टेंट, इस ये आपने याद रखनी है। और यहाँ तक आपका मोमेंटम में आने वाला पहला लॉ कंप्लीट हो गया, पहला लॉ यही है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और विद मैथमेटिकल डेरिवेशन, तो अगर ऐसा लॉन्ग आया तो आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से रॉकेट और पिस्टल रिकॉइल करती हैं, पीछे को झटका खाती हैं, ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डेरिवेशन यहाँ तक, जहाँ से शुरू से कराया था वहाँ से यहाँ तक एक लॉन्ग कंप्लीट हो गया। अब अगला लॉन्ग हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें पहली आपके पास है गन एंड बुलेट सिस्टम, गन और गोली का सिस्टम, अभी आंखें खोल के आप लोगों ने समझना, यहाँ पर ये आपके पास है गन है, अगर तवज्जो देनी है गन के मैस को मैस एम कह दें, गन के मैस को क्या कह दें, मैस एम, और आप जानते हैं यहाँ पर इस जगह पर बुलेट होती है, जब आप गन को फायर करते हैं तो बुलेट कहाँ को मूव करती है, आगे को, बुलेट की वेलोसिटी को छोटा वी कह दें, वी, और ये जो बुलेट है इस बुलेट के मैस को कह दें छोटा एम, क्यों, क्योंकि बुलेट छोटी है गन बड़ी है, तो गन का मैस होगा बड़ा एम, बुलेट का मैस होगा छोटा एम, और बुलेट की वेलोसिटी होगी छोटा वी, और आपको पता है जब गन चलेगी तो गन कहाँ को झटका खाएगी, पीछे को, इसको बड़े वी से दायर करें, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था गन के झटके को बोलते हैं रिकॉइल, और ये जो गन के झटके की स्पीड या वेलोसिटी है तो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी। तो हमने देखना यह है कि ये गन रिकॉइल करती क्यों है, ये गन रिकॉइल क्यों करती है, ये गन पीछे को झटका क्यों खाती है, अभी के लिए पैरामीटर्स याद रखने हैं कि बुलेट का मैस छोटा है और बुलेट जिस स्पीड से आगे जा रही है वो छोटा भी, गन का मैस बड़ा है और गन जिस स्पीड से पीछे झटका खा रही है वो बड़ा भी। अब जरा तवज्जो देनी है, यहाँ पर टोटल इनिशियल मोमेंटम जरा मुझे बताएं, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम, सिस्टम क्या है जी, ये गन और बुलेट का पूरा ये वाला सिस्टम, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जरा तवज्जो देनी है, शुरू में गन कहां पर पड़ी थी, रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, बुलेट तो उसके अंदर थी तो वो भी किस में थी, रेस्ट में, शुरू में गन भी रेस्ट पे, बुलेट भी रेस्ट पे, जब दोनों रेस्ट पे दोनों की वेलोसिटीज क्या हुई, जीरो, ये बुलेट की वेलोसिटी और ये गन की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटीज क्या हुई, जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है, आप जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, ये v velocity है, m v zero हो गया तो आपके पास momentum भी क्या हो जाएगा, zero, यानी जब velocity zero हो जाए तो momentum भी क्या हो जाता है, zero, और जब दोनों gun और bullet गोली चलने से पहले रुकी हुई थी, rest पर थी, तो दोनों का momentum क्या होगा, zero, तो total initial momentum पूरे system क्या क्या हो जाएगा, zero, initial मतलब शुरू में, जब गोली नहीं चलाई, gun bullet रुकी थी, तो total initial momentum क्या हो गया, zero, अब हम ढूंढेंगे total final momentum, कि आखिर में momentum क्या होगा, तो टोटल फाइनल मोमेंटम जरा देखिएगा, मोमेंटम को जाहिर करते हैं मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी से, तो टोटल फाइनल मोमेंटम है, यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हैं, इसमें एक तो गन है
और दूसरी चीज बुलेट है, तो मैंने गन का मोमेंटम ही लिखना है और बुलेट का भी लिखना है। गन का मोमेंटम होगा मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, गन का मैस बड़ा है वेलोसिटी बड़ा वी, जमा बुलेट का मोमेंटम जो के है स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वी। ये आ गया गन का मोमेंटम और ये आ गया बुलेट का मोमेंटम और ये आ गया टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम में गन भी है बुलेट भी है और ये टोटल मोमेंटम आ गया। अभी आप सबने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जितना मोमेंटम शुरू में होगा टोटल इनिशियल मोमेंटम, जितना मोमेंटम शुरू में होगा उसको बोलेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम और ये बराबर होगा उसके जो कि क्या है टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में। टोटल इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या आया था जीरो, तो यहाँ पर टोटल इनिशियल मोमेंटम की जगह लिख दो जीरो। टोटल फाइनल मोमेंटम ये था बड़ा एम बड़ा वी जमा छोटा एम छोटा वी, भाई ये छोटा एम छोटा वी इधर जमा का उधर जाके माइनस का, तो ये बनेगा माइनस एम वी इज इक्वल टू एम वी, ये बड़ा एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बनेगा वी बड़ा वी इधर आ गया बड़ा वी एम जाके डिवाइड हो गया उधर था माइनस एम वी ओवर एम। तो ये फार्मूला निकला है किसका रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का, तो दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी, ये किसका फार्मूला है रिकॉइल, क्योंकि वी बड़ा वी किसकी वेलोसिटी थी, अभी यहां पर देखो बड़ा वी किसकी वेलोसिटी थी गन की, तो ये किसका फार्मूला निकला है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब तवज्जो देनी है ये इक्वेशन आपको बताती क्या है, तो कहता है दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी वी ऑफ गन, ये किसकी वेलोसिटी देती है गन की, रिकॉइल वेलोसिटी देती है गन की। नेगेटिव साइन यहाँ पर नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है ये यहाँ पर देखिएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ गन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट आई ई द गन रिकॉइल्स, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि बुलेट आगे जा रही है जबकि गन किधर को झटका खा रही है पीछे को, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सा साइन लगेगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन शो करता है कि बुलेट आगे को जाती है और गन पीछे को, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है और इसका मतलब यह है कि गन कहाँ को झटका खाती है पीछे को। आगे तवज्जो देनी है, सिंस मैस ऑफ गन इज मच लार्जर देन द बुलेट देयरफॉर द रिकॉइल इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब आप सब जानते हैं कि बुलेट आगे को जाती है और गन पीछे को आती है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कौन तेज जाती है, गन ज्यादा तेज झटका खाती है या बुलेट ज्यादा तेज आगे जाती है, तो सब कहेंगे सर बुलेट तेज आगे जाती है। अब ये गन क्यों स्लो आती है, तो ये वाला बड़ा भी किसकी वेलोसिटी है गन की, इस फार्मूले को जरा देखें, मैं यहां पर इस फार्मूले को जरा अलहदा करके लिख रहा हूं m ओवर m लिखा हुआ है, ये m किसका मास है बुलेट का, छोटा m है ना बुलेट का, और ये बड़ा m किसका मास है गन का, बुलेट का मास बड़ा छोटा होता है मिसाल के तौर पर 20 ग्राम, गन का मास बहुत बड़ा होता है मिसाल के तौर पर 2000 ग्राम, ऐसे ही है ना बुलेट का मास बहुत थोड़ा होता है जबकि गन का मास बहुत ज्यादा होता है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत छोटा आएगा और ये जो आंसर आएगा ये तो v का आएगा, इसका मतलब है कि गन की वेलोसिटी क्या है बहुत छोटी, इस वजह से गन जो है वो स्लो जाती है बुलेट की निस्बत, गन स्लो जाती है जबकि जो बुलेट है वो गन की निस्बत बड़ा तेज जाती है, जिसका मतलब यह है कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है कम होती है, तो ये आपने याद रखना है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, यही वजह है कि गन रिकॉइल करती है, क्यों रिकॉइल करती है यही हमने आज जानना था इस लेक्चर में कि गन रिकॉइल क्यों करती है, गन झटका क्यों खाती है, तो जरा आंखें खोल के देखिएगा क्यों, क्योंकि बुलेट आगे जाती है बुलेट का मोमेंटम होता है एम वी और गन पीछे आती है और गन का मोमेंटम क्या होता है एम वी और ये दोनों कैंसिल हो गए मोमेंटम को क्या कर देते हैं जीरो, क्यों क्योंकि यहाँ पर देखें टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या था जीरो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि जितना मोमेंटम शुरू में था उतना मोमेंटम आखिर में होगा, तो इसलिए शुरू में जीरो था तो आखिर में उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए बुलेट आगे जाती है और गन कहाँ आती है पीछे, तो ये होगी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगली एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर अगर आप देखें ये कि आपके पास अगली एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है दैट इज द रॉकेट सिस्टम, कि रॉकेट कैसे फ्लाई करता है, तो रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स, जेट इंजन्स ये जंगी जहाजों को कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेट इंजन्स का मतलब है जंगी जहाज, तो जंगी जहाज जो है आपको पता उसके नीचे से भी आग निकलती है, रॉकेट के नीचे से भी आग निकलती है, ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, ये भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं,
कि रॉकेट ऊपर को जाता है, उसमें से आग किधर को निकलती है, पीछे को। रॉकेट का मोमेंटम कैपिटल एम वी कह दें, गैसेस का मोमेंटम एम वी छोटा कह दें, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। शुरू में रॉकेट रेस्ट पर होता है, शुरू वाला मोमेंटम जीरो, आखिर वाला मोमेंटम भी जीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जीरो रखने के लिए यह रॉकेट कहाँ को चलाया था, ऊपर को। इन दीज मशीन, इन मशीनों में हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के बर्न करने से, पेट्रोल के जलने से गर्म गैसें पैदा होती हैं, और ये बड़ी तेजी से बड़े लार्ज मोमेंटम से नीचे निकलती हैं। मशीन गेन एन इक्वल ऑपोजिट मोमेंटम, और जो मशीन है वो बराबर का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में हासिल कर लेती है, और इस वजह से वो बड़ी तेज ऊपर चली जाती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इस रॉकेट को देखें तो ये गैसें बाहर को निकल रही हैं पीछे को, और इनका मोमेंटम होगा एम वी। इसी मोमेंटम के रिएक्शन में ये मशीन भी ऊपर को चले लग जाती है विद मोमेंटम एम वी, ठीक है जी, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। इसी तरह आपने जेट इंजन भी देखे होंगे, उसमें भी पीछे से गैस निकलती है मोमेंटम एम वी के साथ, और आगे मूव कर जाता है वो एम वी के साथ, टोटल कैंसिल हो गया, जीरो बन जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होने के लिए मशीन्स जैसे कि रॉकेट कहाँ को मूव कर देते हैं, ऊपर को। ये आपका बन गया सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहले आप गन वाला लिखेंगे, और देन आप रॉकेट वाली ये लाइंस लिख देंगे, तो आपके पूरे चार नंबर मिल जाएंगे। ये आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि हमने प्रॉपर एनिमेशन के साथ देखे। इसको बनाने में मेरी बड़ी मेहनत लगी है, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और लेकिन इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दें, ऐसी वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आज के लिए शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।